लेकिन प्लीज तुम फिक्र ना करो, सरबाब भाई किरण से नफरत करते हैं, शदीद नफरत। और रही बात बच्चों की, तो किरण लाख कोशिश भी कर ले, बच्चों को हासिल नहीं कर सकती और ना ही तुम्हारी जगह ले सकती है। वो मेरी जगह लेती है या नहीं, मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है, मुझे सिर्फ बच्चों की परवाह है। वो मासूम है और उनके मासूम जहनों में इस वक्त जो नफरत के बीज बो रही है ना, उससे उन दोनों की शख्सियत पूरी तरह तबाह बर्बाद हो जाएगी। बेचारे तो बहुत मासूम है, मुझे अपनी माँ का दुश्मन समझते हैं, मुझे इतनी नफरत और हकारत से देखते हैं कि। आयशा, मैं समझ सकती हूँ, ये सब कुछ तुम्हारे लिए बहुत तकलीफ दे। लेकिन तुम देखना, गुजरता वक्त हकीकत से उन्हें आशना कर देगा, वो अपनी माँ की असलियत खुद अपनी आंखों से देखेंगे। आयशा, मैं तुम्हें यही कहूंगी कि बच्चों को माँ से मिलने दो। किरण से बात करने दो। ये तुम कह रही हो? बच्चों का माँ से मोहब्बत एक फितरी अमल है, हम उस मोहब्बत को खत्म नहीं कर सकते। लेकिन अगर ये बात जरबाब भाई को पता चल गई तो बच्चों के साथ सख्ती करेंगे। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ?